subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर Tag TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, Tag TV अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। Tag TV को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। जून का पहला हफ्ता और हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार 2.0 का एक साल का अब तक का क्या परफॉर्मेंस रहा, और इसके साथ साथ देखेंगे यूएस पर टेस्ट जो ऑलमोस्ट एक हफ्ते को हो चले और यूएस ऑन फायर है। और देश को इसका महोत्सव बनाना चाहिए, जैसे दिवाली ईद महोत्सव बनता है, ऐसे 370 का भी महाउत्सव बनना चाहिए। ये अपने भारतवर्ष पर गर्व है और फख्र है कि इतना बड़ा मसला कि जो सदियों से चला आ रहा था, बिल्कुल पानी की तरह से हल हो गया। आज के बिला तकल्लफ तजिया में इन दोनों मौजूदात पर बातचीत होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार का अगर एक साल का हम तजिया करें तो एक बात बिल्कुल वाजे होती है कि ये साल भारत के लिए भरपूर रहा, बहुत सा प्रेशर रहा, बहुत सारे काम हुए इस एक साल के दौरान। जो गुज़िश्ता 72 साल में काम ना हो सका वो था आर्टिकल 35A 370A का एबॉलिश होना, जो अपनी जगह पर बहुत ही बड़ा काम था। इसके साथ साथ भारत की धरती ने जो मुंतज़र सी 500 सालों से आलमोस्ट राम मंदिर के सिलसिला में किसी भी इंसाफ की, वो इंसाफ भी आया, वो फैसला भी हुआ और वो भारत की आवाम की उमंगों के मुताबिक हुआ। और एक और अहम पेशरफ्त हुई जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने CAA का बिल टेबल किया और वो बाद में पार्लियामेंट से पास भी हुआ। उसके तहत जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, चाहे वो सिख बरादरी हो, हिंदू बहन भाई हों, क्रिश्चियंस हों, पारसी हों, बौद्ध हों, जैन हों, उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई। मगर CAA की आड़ में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए। शायद वो सब कुछ जो भारत की अपोजिशन पार्टियां अब तक मोदी जी की दोनों सरकारों में यानी गुज़िश्ता 6 साल में ना कर सकीं, उनको भी मौका मिला और उनसे ज़्यादा मौका मिला उन वेस्टेड इंटरेस्ट वाले एलिमेंट्स को जिनमें अनार्किस्ट भी शामिल थे और अपने ख़ास एजेंडे को लेकर आगे चलने वाले भी शामिल थे। वो सब भी प्रोटेस्ट हुए और दिल्ली ने फरवरी के महीने में एक खौफनाक तरह के राइट्स का भी सामना किया, और वो राइट्स ऐसे मौके पर हुए जब सदर ट्रंप भारत का दौरा कर रहे थे 24 से 26 फरवरी के दौरान भारत का, और वो राइट्स भी हुए और पूरी तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई उन तमाम एलिमेंट्स की तरफ से। लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ना सिर्फ झीला बल्कि उसको काउंटर भी किया, और उसके बाद सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना पेंडेमिक के लपेटे में आया और भारत ने भी उसका डटकर मुकाबला किया और आज भी उसका मुकाबला हो रहा है। ये है बड़े बड़े मामला जो अगर हम मोदी सरकार के एक साल की परफॉर्मेंस में देखेंगे।
राज हटने से हमारा पूरा देश आजाद हो गया है। 370 से देश की इकोनॉमी आजाद हो गई है। देश का 370 हटने से जो मिलिटेंसी है वो खत्म हो गई है। सेपरेटिसी का मुंह बंद हो गया है और देश के अंदर जो 5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर का मोदी साहब ने कहा था वो अब होगा, क्योंकि साथ ही हमारी इकोनॉमी आधी इकोनॉमी कश्मीर पे खर्च होती थी वो आजाद हो गई है। और हम इसको वेरी लुक फॉरवर्ड करते हैं कि देश हमारा अब एक होगा। मोदी जी ने कहा था सबका विकास सबका विश्वास, एंड में वो विश्वास आज उन्हें कायम कर दिया है। वी कॉन्ग्रेचुलेट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वी कॉन्ग्रेचुलेट द इंडियन कम्युनिटी एंड ऑल कि वो इस चीज को अपनी अपनी असेंबली में उठाए, अपनी असेंबली में देश के अंदर बात करे और देश को इसका महोत्सव बनाना चाहिए। जैसे दिवाली ईद महोत्सव बनता है, ऐसे 370 का भी महोत्सव बनना चाहिए। मुझे अपने भारतवर्ष पर गर्व है और फख्र है कि इतना बड़ा मसला कि जो सदियों से चला आ रहा था बिल्कुल पानी की तरह से हल हो गया, इतनी आसानी से वो हल हो गया। जहाँ 1 अरब 30 करोड़ की आबादी, उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक है मुसलमान और हिंदू, उसकी भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है कि मुसलमानों ने भी पूरी तरह से संयम बरता और ज़बरदस्त उन्होंने सब्र से काम लिया और हिंदू भाइयों ने भी संयम, क्योंकि कोई चीज़ बहुत दिनों से कोई चाह रहा हो उसको न मिल रही हो और अनएक्सपेक्टेड एकदम से मिल जाए तो इंसान उतावला हो जाता है, अपने पर कंट्रोल नहीं रखता है। लेकिन हम हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भरपूर अपने को कंट्रोल में रखा और कोई बात ऐसी हिंदुस्तान में नहीं होने पाई कि मुसलमान भाइयों को कुछ असकियत पहुंच जाए, कोई तकलीफ पहुंच जाए। इसी तरह से मुसलमान भाइयों, क्योंकि एकदम से कोई गम का पहाड़ टूट पड़ता है तो उसमें भी इंसान कंट्रोल खो देता है, लेकिन मुसलमानों ने भी पूरे संयम से, पूरे सब्र से और पूरे पेशेंस से काम लिया, जिसकी हिंदू और मुसलमानों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। व्यूअर्स, आर्टिकल 370 और 35A का हटना कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक ऐसा ख्वाब था जिसको भारतीय और ख़ास तौर पर कश्मीरी हिंदू एक अरसा दराज से देख रहे थे और उनका ये ख्याल था कि ये कभी भी ख्वाब पूरा नहीं होगा। भारत में मोदी 2.0 सरकार की अब तक की परफॉर्मेंस पर बहुत सारे तबसरे हो चुके हैं, मगर मेरे तबसरे का फोकस होगा भारत से बाहर, भारत का जो इमेज है ख़ास तौर पर कनाडा और अमेरिका में, इस शमाली अमेरिका की दुनिया में वो क्या रहा। उस सिलसिला में भारत का इमेज यकीनी तौर पर कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ के लेफ्ट के मीडिया और यहाँ की लेफ्ट की सरकारों या अपोजिशन पार्टियों ने भारत के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के NDP के सरबरा जगमीत सिंह ने मुसलसल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। We would say no to selling weapons to Saudi Arabia. That's one example of our position kind of on human rights. But you talked about Kashmir and I want to make it very clear. What happened in Kashmir is the Indian government did a couple of things. They shut down telephones, they shut down cell phone communication, they blocked the media. Anywhere in the world, if the cell phones are being blocked, if telephones are being shut down, and if the media is not allowed to go there, I can assure you there's human rights violations going on. And so I want the people of Kashmir to know that as a new democratic leader, I stand with you in solidarity, that if there's any injustice against anyone, it's our values that we feel it's an injustice against us. And we stand with people, whoever is facing struggles. So I want the people of Kashmir to know I stand with you in the injustice that's happening. I stand against that injustice and I denounce what India is doing to the people of Kashmir. Jagmeet Singh ke ilawa, Pakistan se talluq rakhne wali 2 member parliamentarians,
सेनेटर सलमा ताउल्ला जान जो कंजर्वेटिव पार्टी से तल्लक रखती हैं और एमपी सलमा जाहिद जो लिबरल पार्टी की मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने भी भारत के ख़िलाफ़ पटिशंस दायर की और सलमा ताउल्ला जान ने भारत के ख़िलाफ़ जहां कहीं भी बोलने का मौका मिला वो बोली। उन्होंने खालिस्तानियों को भी अपने साथ जोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू काउंसिल जनरल फॉर यू नो हैविंग दिस गैदरिंग टुडे व्हाइल वी सेलिब्रेट यू नो इंडिपेंडेंस डे जश्न-ए-आज़ादी वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट कश्मीर फॉर फादर फाउंडिंग फादर कायद-ए-आज़म ट्राइड वेरी हार्ड we all know how hard he tried to make everything work but when he realized that there was very little room and respect for the Muslims in India and you know Pakistan was formed so we celebrate Jashn-e-Azadi but we have to salute the resilience of the people of Kashmir of what they have gone through and what they're going through and all of us must raise our voices in a very peaceful dignified manner and we must remind the world of what's happening in Kashmir I find that there's been almost like a silence from the world leadership and I wonder why once again when it's Muslims who are at the forefront of receiving and they're you know the violence the curb on their freedoms why there's a silence so we must all raise our voices we're trying to do what we can I know my colleagues in the federal parliament you know it might seem to you that we're not doing anything we are working very hard behind the scenes We have had letters from the High Commissioner of Pakistan to the Human Rights Committee. We are looking at that. We are working on that. But all of you, you must continue to talk to your members of Parliament to raise the issue, and let the Kashmiris feel that they're not alone. We're with them. So while we celebrate Jashn-e-Azadi, aapko mubarak ho. But this year it's a somber celebration because we cannot forget about the people of Kashmir. So Pakistan, Zindabad. I'd like to extend my sincere thanks to our own Canadian Senator Salma Ataullah Jan. Salma Ataullah Jan nu ek wari phir mera dhanwad karda ke Pakistan Resolution Day de is mauke de utte sanu do bhai chara nu ikattha kita. So teesra jo sanu gulam bana ke rakhna chahunda oh dekh lave ke we have joined hands. Canadian Sikh community is much more closer to Pakistan than any other country in that world. Presenting petitions, the Honourable Member for Scarborough Centre. Mr. Speaker, I would like to present an e-petition 2391 signed by over 4,000 people from across Canada who are concerned about amendments made to the Citizenship Act by the Government of India. That make religion a criteria for nationality and discriminate against some religious minorities such as Muslims. They are also concerned that the criteria of the National Register of Citizens may make marginalized minorities stateless as they are more likely to be unable to prove their identity and status. They are calling on this House to condemn these measures and demand their withdrawal and to condemn the excessive use of force by the police against the peaceful citizens of India. Thank you, Mr. Speaker. और भारत के खिलाफ मुकम्मल प्रोपेगेंडा जारी रखा। इसके साथ साथ रिसेंटली एनडीपी पार्टी के एमपी स्कॉट डोवाल ने भी एक्सट्रीम लेफ्ट यानी फार लेफ्ट के लोगों और इस्लामिस्टों की मदद से एक और कश्मीर के सिलसिले में पटिशन दायर की। यहाँ कनाडा में जो कनाडा का मीडिया है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से बात हो, चाहे वो CA के खिलाफ लिखे जाने वाले मवाद के हवाले से बात हो, कनाडा के लेफ्ट लीन मीडिया ने, जो कि कनाडा के टोटल मीडिया का ऑलमोस्ट 95% है, उन्होंने भी भरपूर तरीके से भारत की मजम्मत की। इस सिलसिला में भारत ने कनाडा में अपने इमेज को किस तरह बेहतर बनाया, क्या भारत की सरकार ने कोई ऐसा काम किया कि भारत के इमेज को यहाँ पर बेहतर बनाया जाए, यकीनी तौर पर ऐसा नज़र नहीं आता, ना तो भारत की सरकार की तरफ से कोशिश नज़र आती है। अगर हम अमेरिका की तरफ नज़र दौड़ाएं तो अमेरिका में भी भारत के खिलाफ बेतहाशा प्रोपेगेंडा हुआ। बीजेपी की सरकार को, एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व की सरकार, अमेरिका के मीडिया ने भी हर पल
साबित करने की कोशिश की और साबित भी किया, और उसमें भारत से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे मुसनफ़ीन भी लिखते रहे, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहे। और तनकीद का हक तमाम जर्नलिस्टों को होता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को होता है, मगर वाज़े तौर पर लग रहा था कि बीजेपी के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी बुनियाद वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, और वो भारत की अपोजिशन पार्टियों की लाइन टो कर रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं बल्कि इस्लामिस्ट जो ग्रोह हैं उनकी लाइन भी टो कर रहे हैं, और मकम्मल तौर पर अमेरिका और कनाडा में तमाम इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत के ख़िलाफ़ एक बहुत शदीद प्रोपेगेंडा किया, और उस प्रोपेगेंडे को अमेरिका और कनाडा के मीडिया ने बाय किया, और यहाँ की आवाम तक यही तासर बना कि बीजेपी की सरकार एक इंतहा पसंद हिंदुत्वा की सरकार है। और इसके साथ साथ ये तासर भी बना कि बीजेपी का तल्लक आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और आरएसएस कोई दहशतगर्द तंजीम है, इस तरह का इमेज बनाने की कोशिश की गई। मैं दावे से कहता हूँ कि टैग टीवी ने और मैंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की कि आरएसएस का जो सेवा का इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का जो एक एस्पेक्ट है उसको आवाम के सामने पेश किया जाए, मगर हम अमेरिका और कनाडा के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स के मुकाबले में छोटा सा मीडिया हाउस हैं। हमारी कोशिश महदूद पैमाने पर रही, मगर जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स के काम थे उनको काउंटर करने के लिए, उनके नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए भारत की सरकार की तरफ से कोई हमें एफर्ट्स नज़र नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद भारत में भारत की सरकार की कारकर्दगी एक साल के दौरान भरपूर रही, और उस एक साल के दौरान हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे मरासम अमरीकी हुकूमत और यूरोपियन हुकूमतों के साथ रहे। और इस सारे अमल में ये बात ज़रूर देखने वाली है कि उनके सफारती तल्लकात तो बहुत बेहतर रहे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, अमेरिका और कनाडा के साथ भी, लेकिन इमेज की हद तक बहरहाल एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिली। ग्लोब एंड मेल अखबार ने अभी हाल ही में लॉकडाउन पर तबसरा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जो पहला लॉकडाउन नाफिज किया था उस लॉकडाउन से मोदी सरकार के अवाम के साथ यानी भारतीय अवाम के साथ जो रिश्ते नाते हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जनवरी 2020 में टोरंटो स्टार में एक ऐसा जहरीला आर्टिकल कश्मीर के हवाले से एक ऐसी राइटर के नाम से छपा जिनकी उम्र बमुश्किल 20 साल है, और वो यहाँ के इस्लामिस्टों के साथ कश्मीर के दौरा पर गईं और फिर वापस आईं, तो उनके नाम से लिखा हुआ एक आर्टिकल टोरंटो स्टार जो कनाडा का सबसे बड़ा अखबार है उसमें शाया हुआ, और उस आर्टिकल में बहुत ही जहर उगला गया। इसी तरह CAA के खिलाफ यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, और उन प्रोटेस्ट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ग्रोह थे जिन्होंने CAA के खिलाफ सेमिनार्स मुनक्किद किए, और जैसे ही COVID-19 की पाबंदियाँ लगीं तो वेबिनार्स मुनक्किद होना शुरू हुए। इस सिलसिला में एक सबसे अहम सेमिनार अलनूर कल्चरल सेंटर में हुआ था, और हाल ही में जस्टिस फॉर ऑल कनाडा नामी ग्रुप ने एक वेबिनार पर बहुत ही सख्त मौकफ अख्तियार किया भारत के खिलाफ, और भारत की मौजूदा सरकार को फाशिस्ट करार दिया, और उसके साथ साथ फंडिंग रेज करने की बात की, और ये भी दावा किया कि बहुत सारी फंडिंग जमा हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव एन अमेजिंग जेनरस डोनर who has already committed $120,000 for this campaign and the fundraising campaign that we have launched. And best part about this is that he is willing to match $120,000 if you and I, inshallah, work together to match that. So if we are able to, inshallah, make $120,000 tonight, we will be able to, inshallah, have a matching donation from this incredibly generous friend of ours, of Justice for All and Sound Vision. So thank you. Free Kashmir, advocate for the people of Kashmir.
Long-term goals include the call for self-determination, the end of the Indian military's occupation of the territory, and raising awareness of Kashmiri issues among the American people. After the August 5th reinvasion of Kashmir, we organized national protests in front of various Indian government buildings, partnered with Stand With Kashmir, and launched a petition condemning the Gates Foundation's decision to present Prime Minister Modi a humanitarian award. So that we can work towards the freedom of Kashmiri Muslims, 8 million of those who are stuck in an open-air prison for 7 decades now. And so that we can work for the ease and relief of the plight of 200 Muslims in India who are stuck in the slums and who are on the verge of a impending genocide. That there is an exhausted widow or mother and a mother in Kashmir looking out her window, wondering if she would even make it back alive after she goes out for groceries to feed iftar to her kids tonight. That there is a grandfather in the slums of Delhi crying, thinking about the next mob attack on their house this Ramadan. इस सारे प्रोपेगेंडे को नलीफाई करने के लिए मैं फिर एक बार कहूँगा कि हम अगर भारतीय सरकार की तरफ से किसी कोशिश को देखें तो ना तो वो हमें अमेरिका में नज़र आती है, ना कनाडा में नज़र आती है. अगर हम डायस्पोरा के भारतीय बहन भाइयों को देखें तो सच्ची बात यह है कि उनकी तरफ से भी किसी किस्म की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हमें नज़र नहीं आती. अगरचे कनाडा और अमेरिका में भारतीयों की बसने वाली अक्सरियत मोदी सरकार और बीजेपी की हामी है, मगर वो इस सिलसिला में डरे हुए और सहमे हुए रहते हैं कि भारत के कश्मीर मौकफ, CAA के मौकफ और भारत की बीजेपी सरकार के मौकफ को डिफेंड करें, और ना वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अमेरिकी या कैनेडियन समाज में बताने की कोशिश करते हैं. वो सिर्फ अपने खोल में बंद रहते हैं और आपस में ही बातें करते रहते हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई एफर्ट्स हमें डायस्पोरा की सतह पर नज़र नहीं आई जो बड़े लेवल पर हों, जिससे कम्युनिटी के जो मसाइल हैं और कम्युनिटी की जो आइडियोलॉजी है वो सही तौर से कैनेडियन या अमेरिकन पॉलिटिशियंस को और मीडिया को, पॉलिसी मेकर्स को बताई जा सकें. वेलकम बैक. US में एक हफ्ते से शदीद प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हैशटैग US ऑन फायर आलमोस्ट अमेरिका का हर मीडिया, यूरोप का हर मीडिया, कनाडा का हर मीडिया इस्तेमाल कर रहा है. जॉर्ज फ्लॉयड जो स्याह फाम अमेरिकी थे, उनको एक सफ़ेद फाम पुलिस अफसर ने बेरहमी से मारा, और उस पुलिस अफसर ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसके इस अमल को आम शहरी अपने फ़ोन कैमरों से टेप कर रहे थे, और इसके बावजूद उस जालिम शख्स ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर 9 मिनट तक अपने घुटनों को बहुत ही सफाकी के साथ रखा. सारी सूरत हाल के बाद प्रोटेस्ट होना शुरू हुए, और फिर हमने देखा कि वो प्रोटेस्ट शदीद वायलेंस की शक्ल अख्तियार कर गए, और सदर ट्रंप ने ट्वीट्स भी दी, सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें भी हुई. चूँकि सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ अमेरिका का 90% जो लेफ़्ट का मीडिया है वो अपना जहर उगलता रहता है, और सदर ट्रंप भी एक ऐसे गैर मामूली नौयत के सदर हैं कि वो कतन डिप्लोमेटिक ज़ुबान इस्तेमाल करने के कायल नहीं. वो भी तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को फेक न्यूज़ के आउटलेट्स करार देते रहते हैं और उनको सुबह शाम लताड़ते रहते हैं. इन प्रोटेस्ट के तनाजर में ये ख्याल था और है कि चूंकि अमेरिका में 2020 इलेक्शन का साल है और नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो यहाँ की
अपोजिशन कुव्वतें, लेफ्ट की कुव्वतें और बाहर की भी बहुत सारी जो कुव्वतें हैं, ख़ास तौर पर चीन और कुछ ऐसे शदीद इस्लामिस्ट कंट्रीज़ की कुव्वतें, वो हरगिज़ ये नहीं चाहते कि सदर ट्रंप दोबारा री एलेक्ट हों। अगर वो कुव्वतें इन प्रोटेस्टर्स के साथ मिले हुए उन तमाम अनारकी कुव्वतों की मदद भी कर रहे हों तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन सदर ट्रंप भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जब से सदर ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं, उन्हें हर लम्हे, हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने किसी न किसी चैलेंज का सामना होता है, लेकिन वो इंतहाई दलेरी के साथ, चाहे वो इंटेलिजेंस के इदारे हों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के इदारे, अगर सदर ट्रंप समझें कि वो काम उनके मैंडेट के मुताबिक नहीं कर रहे तो वो उनको लताड़ने में बाज नहीं आते। वो अपने करीबी साथियों को भी फायर कर देते हैं। और सदर ट्रंप ने जिस तरह चाइना के खिलाफ मौकफ अपनाया, ख़ास तौर पर COVID-19 के बाद, वो भी एक दलेराना कदम था। आज तक अमेरिका में इस तरह का स्टैंड किसी ने नहीं लिया। हमने ये प्रोटेस्ट उस ज़माने में देखे जब COVID-19 का दौर दौरा था। COVID-19 ने अमेरिका को अपनी लपेट में ले रखा है और अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। जितनी मुतासरीन की तादाद अमेरिका में है कोरोना वायरस की वजह से, उतनी दुनिया भर में कहीं नहीं है। 1.8 मिलियन के करीब अमेरिकी कोविड वायरस से पॉजिटिवली टेस्ट हो चुके हैं और 1 लाख से ज़ायद अमेरिकी अपनी जान गंवा चुके हैं। और अमेरिका में ये बहस हर वक्त चल रही थी कि क्या रीओपनिंग हो या ना हो। इसी बहस के दिनों में जॉर्ज फ्लॉयड का बहिमाना कत्ल हुआ और बहिमाना कत्ल के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए, जो एक नेचुरल बात थी। COVID-19 के खौफनाक मराहिल से गुजरने वाले अमेरिका में ये बहस अपने ज़ोरों पर थी कि अमेरिका को किस तरह रीओपन किया जाए। और कभी कभी ऐसे प्रोटेस्ट सामने आते थे जो आम तौर पर दाएं बाजू के लोगों के, यानी राइट विंग के लोगों के समझे जाते थे, जो रीओपनिंग की बात कर रहे थे, जो कहते थे कि फ्रीडम उनका हक है, उनको ज़िंदगी को जारी और सारी रखने का हक मिलना चाहिए, इस पर वो बात कर रहे थे। और जो लेफ़्ट की कुव्वतें थीं वो उनका मजाक उड़ा रही थी और वो ये कह रही थी कि ये अमेरिका को मज़ीद कोविड बीमारी में ले जाएंगे। लेकिन जब ये कत्ल का वाकया सामने होता है तो वही लेफ़्ट की कुव्वतें रीओपनिंग की मुखालफत को भूल कर एकदम से प्रोटेस्ट पर निकल आईं, जो हम समझते हैं कि एक नेचुरल बात है। मगर जब उनके साथ हज़ारों लाखों अनारकी जहन के लोग शामिल हो गए, जैसे एंटीफा और इस तरह के लोग उनके साथ शामिल हो गए, उन्हें लूट मार और आतिशजदगी और हर तरह की लाकानूनीत की इंतहा कर रखी है, तो सदर ट्रंप ने बहुत सख्त इकदाम लेने का ऐलान किया। और यहाँ तक खबरें आईं कि सदर ट्रंप को सैटरडे की रात को वाइट हाउस के तहखाने के एक बंकर में 1 घंटे के लिए जाना पड़ा सिक्योरिटी एडवाइस पर, और उस पर सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ बहुत ही प्रोपेगेंडा हुआ, उनका मजाक उड़ाया गया कि वो बंकर में चले गए हैं। लेकिन जाहिर है अगर ऐसा हुआ है तो सदर ट्रंप ने वो सिक्योरिटी एडवाइस की बुनियाद पर किया होगा। मगर सदर ट्रंप ने 1 जून को अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे तौर पर कहा कि वो लेफ्ट की इन अनारकियत पर मबनी कुव्वतों के खिलाफ नहीं झुकेंगे। माई फेलो अमेरिकन्स, माई फर्स्ट एंड हाईएस्ट ड्यूटी एज प्रेसिडेंट इज टू डिफेंड आवर ग्रेट कंट्री एंड द अमेरिकन पीपल। आई स्वोर एन ओथ टू अपहोल्ड द लॉज ऑफ आवर नेशन एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई विल डू। ऑल अमेरिकन्स वर राइटली सिकेंड एंड रिवोल्टेड बाय द ब्रूटल डेथ of George Floyd. My administration is fully committed
that for George and his family, justice will be served. He will not have died in vain. But we cannot allow the righteous cries and peaceful protesters to be drowned out by an angry mob. The biggest victims of the rioting are peace-loving citizens in our poorest communities. And as their president, I will fight to keep them safe. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये अब आने वाला वक्त बताएगा, नवंबर कोई बहुत दूर नहीं है, कि सदर ट्रंप का जो अब तक का बोल्ड और ब्लंट किस्म का दौरे हुमर रहा है, क्या वो उसको आगे प्रलॉन्ग कर सकेंगे, रीएलेक्ट होने की सूरत में या नहीं, क्योंकि सदर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की तमाम लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे फार लेफ्ट से सेंटर लेफ्ट तक सभी इनके खिलाफ हैं और दुनिया भर में इनकी मुखालफत है, अगर इसके बावजूद सदर ट्रंप रीएलेक्ट होने में कामयाब हो गए तो उसका मतलब ये है कि अमेरिका में अभी भी दमखम है कि वो रैशनैलिटी पर अपने फैसले कर सकता है, अपनी जमहूरियत को आगे ले जा सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ फार लेफ्ट की इरेशनैलिटी की वजह से चीज़ें बेकाबू हो चुकी हैं, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में। एक ऐसी पॉलिटिकल करेक्टनेस पूरी दुनिया में राइज हो चुकी है कि किसी किस्म की बात करना मुमकिन नहीं होता। सदर ट्रंप ने इसी कोविड-19 के ज़माने में जहाँ पर मीडिया को ललकारा, जहाँ पर चीन की गलत पॉलिसियों को ललकारा, जहाँ पर चीन के वायरस के फैलाव के सिलसिले में उसको ललकारा, उसके साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अटैक किया। ये कोई आसान काम नहीं, वो सोशल मीडिया जिसको वो खुद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर के ख़िलाफ़ उन्होंने एक्शन लेने की बात की। खुद सदर ट्रंप के ट्विटर पर 80 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन सदर ट्रंप अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं। उनके इस डटे रहने पर अब ये वाकई पूरी दुनिया देखना चाहती है कि क्या इतनी डिटर्मिनेशन के साथ और इतनी मुखालफत के साथ सदर ट्रंप रीएलेक्ट हो भी पाएंगे या नहीं। लेकिन ये बात तो अभी चंद महीने बाद की है, अभी हमने इन दिनों ये देखना है कि सदर ट्रंप किस तरह इन दंगों पर, इन फसादात पर, इस लूटमार और आतिशजदगी की एनवायरनमेंट पर काबू पाते हैं, जो प्रोटेस्टर्स के बहाने में अमेरिका को बर्बादी की तरफ लेकर जाना चाहती हैं। अगरचे रेशियल इश्यूज अमेरिका में कोई नए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, और अगर देखा जाए ईमानदारी से तो ये जो जॉर्ज फ्लॉयड का वाकया है, इसमें कोई भी हुकूमत शामिल नहीं थी, ये बदकिस्मती से एक इंतहाई शफाफ पुलिस अफसर का अमल था, जिसकी मजम्मत अमेरिका में हर पॉलिटिकल पार्टी ने की, सदर ट्रंप ने भी की और वो बार बार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि सदर ट्रंप इस वाकये के पीछे हैं और इन फसादात की वजह है। यानी ये एक ऐसा अनफेयर किस्म का परसेप्शन बनाया जा रहा है, और उसके पीछे एक और ये वजह बयान की जाती है कि सदर ट्रंप ने एक ट्वीट दिया था चंद रोज़ पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन फसादियों को रोकने के लिए मैंने सीक्रेट सर्विस के लोगों को बुलाया है, उनके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है और उनके पास बहुत ही कमाल के कुत्ते हैं, और उन कुत्तों से वो इन फसादियों को फसाद करने से रोकेंगे। इस ट्वीट को नस्ल परस्ती पर मबनी ट्वीट करार दिया गया, हालांकि ये सदर ट्रंप का एक ख़ास स्टाइल है, उसी स्टाइल में बात करते हैं, ये थोड़ा सा सख्त ट्वीट ज़रूर है मगर इसमें नस्ल परस्ती की बात नहीं। दूसरी तरफ जो एंग्री मॉबस्टर्स हैं, जो एंग्री प्रोटेस्टर्स हैं, और जो फार लेफ्ट के प्रोटेस्टर के रूप में
दंगे करने वाले हैं, वो ये कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं, हम अमेरिका को आग लगा देंगे, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं और उनको लोग सराह रहे हैं, लेकिन उनके बारे कोई बात नहीं करता। ऑफ कोर्स सदर ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो उनका तो एक एक लफ्ज भी जो होगा वो ग्रिल होगा, होना भी चाहिए, हमें इस पर कोई तराज नहीं। लेकिन सदर ट्रंप का हौसला है कि वो मुसलसल डटे हुए हैं, और अगर आप उनकी 4 साल दौरे हुकूमत को देखें तो वो किस किस तरह के मसले से नहीं गुजरे, हत्ता कि वो अपने सदारती फैसले के खिलाफ गुजरे जिसमें उनकी इम्पीचमेंट तक हुई, मगर वो उसके बावजूद डटे हुए हैं। ये कोई आसान बात नहीं। जैसा कि मैं कह रहा था, अब ये देखना है कि एक हफ्ते के बाद, जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा कि वो बहुत सख्ती से निपटेंगे और उन्होंने सख्त ऐलान भी अब कर दिया है, क्या इस पर अमरीकी इंतज़ामिया अमल करवा सकेगी, और वो जो फार लेफ्ट के फसादी हैं, दंगा करने वाले हैं, क्या वो उस पर रुक पाएंगे। ये वो सवाल है जो मेरे सामने भी है और आपके सामने भी है। अगरचे अटलांटा की मेयर ने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में चंद दिन पहले कहा था इन दंगा करने वालों से कि तुम लोग घर जाओ, तुम लोग मार्टिन लूथर किंग की स्पिरिट को बर्बाद कर रहे हो, और वो वाकई कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा कि क्या अमेरिका इस इंसिडेंट के हो जाने के बाद और इस तरह के लूट मार, आतिश जदगी और मारा मारी के माहौल से एक बार फिर निकल पाता है या नहीं निकल पाता। सदर ट्रंप का तो कहना है अमेरिका हर बार जीता है, इस बार भी जीतेगा, और देखते हैं ये जीत आने वाले दिनों में किसकी होती है। YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.